नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर के पटेल नगर में करंट लगने से मजदूर की मौत होने के बाद बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने हजीरा चौराहे पर मजदूर की लाश रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने आरोपी मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद जाम खुल सका। निर्माणधीन मकान में मार्बल की घिसाई करते वक्त करंट लगने से मुनेंद्र नाम के मजदूर की मौत होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने लाश को हजीरा चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया। मकान मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग करने लगे। मौके पर पुलिस काफी देर से पहुंची, जिससे घंटों जाम लगा रहा और सैकड़ों लोगों को परेशान होना पड़ा है। आखिरकार पुलिस ने मकान मालिक ब्रजेश त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने जाम वापस ले लिया। मेरा बड़ा भाई है मनेन्द्र सिंह राजावत। चक्का जाम इसलिए किया है, इस पर कार्रवाई नहीं की है पीटीआई साहब ने, जो कि अवैध रूप से इसको पहले मारा गया है। मारने के बाद इस पर करंट लगाया, ना कि नजदीकी हॉस्पिटल में ना दिखाने की वजह से दो घंटे इसको रखा गया है। फिर एम्बुलेंस 108 को बुलाया गया, फिर इसको सरकारी हॉस्पिटल भेजा गया है। इस उपरांत इसकी मृत्यु हो गई, ना ही हमें सूचना दी गई है। हमको 6-7 घंटे बाद सूचना दी गई है, बॉडी वहां पर डली थी, बॉडी के पास में कोई नहीं था। इसकी कल मौत हुई। हमारी मांग है, हमको इंसाफ चाहिए। और क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इसके मकान मालिक के ब्रजेश त्रिपाठी के नाम पे एफआईआर होनी चाहिए। हम इनकी मांगे कि एफआईआर दी जाए हमें अभी तत्काल, और मुख्यमंत्री कोष से पैसा राहत राशि दिलाई जाए, और रेड क्रॉस से जो मिलता है वो दिलाई जाए। तो रेड क्रॉस का इनका 10,000 जो है अप्रूव हो गए हैं, और सीएम साहब के लिए भेज दिया गया है पत्र यहाँ से एसडीएम साहब के थ्रू। और एफआईआर अभी मर्ग जाँच कम्प्लीट हो गई है और एफआईआर हो रही है। अभी राजावत है, कांचविल में रहते हैं। हाँ, चक्का जाम क्या, महिला बच्चे हैं और काफ़ी क्राउड है, बड़ा इलाका है। हम एहतियात बरत रहे हैं, मैं सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं और अभी नियंत्रण में है। अगर उसमें करंट लगने से वो यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र का है, वो पूरा डिटेल में यहाँ तो क्यों डेडबॉडी लेके आ गए, चूंकि यहाँ का रहने वाला है वो। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट न्यूज आज। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।